कुछ लोग जीएसटी चोरी पे अपराधी पकड़े गए हैं, क्या खुलासा? कुछ महीने पहले नोएडा थाना सेक्टर 20 की पुलिस टीम द्वारा एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें करीब 2600 फर्जी कंपनियां को बनाने वाले पकड़े गए थे। आज उसी कार्रवाई में जो असल मास्टरमाइंड है, जिन वो बिजनेसमैन जो सरकार का आईटीसी, सरकार से आईटीसी क्लेम करते हैं और सरकार को चपत लगाते हैं, उन अरबपति बिजनेसमैन को पकड़ा गया है। उन एक का नाम है संजय जिंदल, दूसरे का नाम है अजय शर्मा। ये लोग का अपना कुछ बिजनेस है, जैसे कि संजय जिंदल का बिजनेस है जिसका नाम है ES ब्राउनी मेटल्स एंड ऑयल लिमिटेड। ये सोनीपत में ये कंपनी काम करती है। और हमारे द्वारा जब जीएसटी विभाग को 2600 कंपनियों की सूची दी गई, तो उन्होंने इसको नैरो डाउन किया। पहले जीएसटी विभाग ने संजय और अजय दोनों को अरेस्ट किया और ये लोग करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा जेल में भी रहे। इन लोगों ने हमारी दी हुई कंपनी में से, जो संजय जिंदल है जिन्होंने, जिसकी कंपनी है ES ब्राउनी मेटल एंड अलॉयज, ने 16.9 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया, यानी कि 16.9 करोड़ रुपीज़ का चूना सरकार को लगाया, जो बाद में फ्रीज भी कराया गया। और जो दूसरा अक्यूज है जिसका नाम अजय है, उसने 6 कंपनियों से 8.57 करोड़ रुपीज़ का सरकार को चूना लगाया, जो बाद में नोएडा पुलिस की रिपोर्ट के बाद जीएसटी विभाग द्वारा वो पैसा फ्रीज कराया गया। ये दोनों बिजनेसमैन अरबपति हैं और इनका सोनीपत में बड़ा कारोबार है। ये दोनों काफ़ी समय से बातचीत चल रहे थे। ये लोगों के ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था दोनों के ऊपर। और आज और हमारी आज पूरी टीम को बड़ी सफलता मिली, जिसमें हम लोगों ने असल मास्टरमाइंड और जो रियल बेनिफिशरीज थे, जिन्होंने इस पूरा फर्जी कंपनी बनाने का कारोबार खड़ा किया था, आज उन सभी लोगों को अरेस्ट किया, उनको लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे भी इसमें हम लोग अभी तक 32 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। कुछ जो चंद लोग बचे हुए हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इन दोनों पर 25,000 का इनाम था और अब तक 32 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ लोग जो जिनकी कुर्की की गई, उनके खिलाफ भी मसूरी में चार्जशीट कर चुके हैं। सर, क्या इनका जो बिजनेस था, इसी चीज़ से फल फूल रहा था या पहले से बिजनेसमैन थे? ये लोग बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन जो होते हैं वो कई बार अपनी टैक्स लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए आईटीसी क्लेम करते हैं, लेकिन आईटीसी जब क्लेम होना चाहिए तो वो कोई गुड्स लेने या देने पर होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसी कंपनियों से आईटीसी क्लेम कर रहे थे जो कंपनियां वास्तव में मौजूद ही नहीं है। सर, इनका बिजनेस किस चीज़ का है? नहीं, जीएसटी विभाग भी पहले इनको जेल भेज चुका है और अब उसके उसी अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग भी इनको जेल भेजेंगे। इन लोगों के नाम पर ये एक, जैसा आपको पहले बताया, ES ब्राउनी नाम की कंपनी है संजय के नाम पर, जिसके वो डायरेक्टर है, और दूसरा अजय शर्मा है जिसकी कंपनी क्रिस्टल करके कंपनी है, वो उसकी कंपनी है, और वो लोग ने करीब 26 करोड़ का मिलाकर आईटीसी क्लेम किया। सर, कारोबार किस तरीके के? मेटल स्क्रैप के।